जैसा कि आप जानते हैं, लॉकडाउन खत्म होने में अब महज एक हफ्ते का वक्त बाकी। बड़ा सवाल यही था, क्या सरकार इसे आगे बढ़ाने के मन बना रही है? आपके स्क्रीन पर वो इन्फॉर्मेशन, लॉकडाउन बढ़ाने पर केंद्र सरकार विचार कर रही है, ये हमारे सोर्सेस बता रहे हैं। साथ ही आपको ये भी हम खबर दे दें कि लॉकडाउन बढ़ाने के पक्ष में है ज्यादातर राज्य। कर्नाटक कह रहा है कि लॉकडाउन को दो हफ्ते तक बढ़ाया जाए। इससे पहले आपको याद होगा तेलंगाना के सीएम केसीआर वो बार बार ये बात कहते रहे कि लॉकडाउन को आगे बढ़ाया जाए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का स्टेटमेंट भी आपको याद होगा कि इसे बढ़ाया जा सकता है। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान द्वारा भी इसे लेकर कंसर्न्स जताए गए थे और अब अशोक गहलोत भी लॉकडाउन को लेकर वही कंसर्न्स, वही चिंता जता रहे हैं जो कि दूसरे राज्यों के सीएम कहते आए हैं। अचानक हटाया नहीं जा सकता, ये भी कह रहे हैं अशोक गहलोत। हालांकि इसे लेकर नीति आयोग की तरफ से जो रिपोर्ट है, ऐसे दावे किए गए मीडिया में कि फेज्ड आउट मैनर में ही लॉकडाउन को हटाया जाएगा, जब भी हटाया जाएगा। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर जो आपको दे रहे हैं वो यही कि ज्यादातर राज्य इस वक्त लॉकडाउन बढ़ाने के पक्ष में है। परिस्थिति देख के फैसला करेंगे, जनता की जिंदगी ज्यादा जरूरी है। लॉकडाउन सह लेंगे, अर्थव्यवस्था बाद में भी खड़ी कर लेंगे, लेकिन लोगों की जिंदगी चली गई तो वापस कैसे लाएंगे? अभी जो परिस्थिति मैं भोपाल में देख रहा हूं, इंदौर में देख रहा हूं, उसमें हमें सावधानी बहुत रखने की जरूरत है। और इसलिए अगर जरूरत पड़ी तो इसको आगे भी बढ़ाएंगे। जनता की जिंदगी हमारे लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, परिस्थितियां देख के फैसला करेंगे। देखिए, अगर लॉकडाउन खुलेगा अभी एक साथ नहीं खुलने वाला है। मैंने आपको कहा करीब 40 जगह हमने कर्फ्यू लगा रखे हैं, तो वहां तो खुलेगा नहीं एक साथ में, चाहे भीड़ा हो चाहे कोई जगह हो, क्योंकि हमें इसको फेज वाइज खोलना पड़ेगा। ये निर्णय करने की घड़ी आने वाली अभी आई नहीं है, इसलिए आप निश्चिंत रहे कि जो फैसले होंगे वो बड़ी खबर आपको दे रहे हैं कि कैसे केंद्र सरकार ये कह रही है कि वो लॉकडाउन बढ़ाने के सवाल पर विचार कर रही है। आप यहाँ पर समझ होंगे, पूरे प्रदेश में जैसे ही लॉकडाउन खोला जाएगा तो ये इंश्योर याद दिला देती हूँ, 21 दिनों का ये लॉकडाउन है, 14 अप्रैल को ये खत्म हो रहा है। ऐसे में सरकार किया जाएगा, कोरोना फ्री है हमारा प्रदेश। ऐसे में कोई भी व्यक्ति अगर कोरोना पॉजिटिव रहेगा, ये कह रही है जैसा कि हमारे सोर्सेज बता रहे हैं कि इस लॉकडाउन को आगे बढ़ाने पर केंद्र सरकार द्वारा विचार तो बड़ी मुश्किल होगी। अभी इसमें संभावना नहीं है कि जल्दी खुल पाएगा, इस बार किया जा रहा है। राजस्थान के सीएम क्या कह रहे हैं, मध्य प्रदेश के सीएम क्या कह रहे हैं, सिलसिलेवार तरीके से हमने आपको सुनवाया। दोनों ही सीएम अपनी चिंता, अपना कंसर्न जाहिर कर रहे हैं। मेरे सहयोगी ब्रह्म प्रकाश दुबे और साथ ही एसएन अब्बास हमारे साथ हैं। सबसे पहले ब्रह्म का रुख कर लेते हैं। ब्रह्म, हम लगातार सुन रहे हैं, चाहे वो मध्य प्रदेश के सीएम हो या फिर अभी राजस्थान के सीएम हो, ज्यादातर राज्यों से पहले केसीआर हो, तेलंगाना के सीएम, सभी लॉकडाउन को आगे बढ़ाने की सिफारिश करते आए हैं। क्या इस समय केंद्र सरकार की सोच है, ये देखते हुए कि 14 तारीख को ये जो लॉकडाउन की 21 दिनों की अवधि है वो खत्म हो रही है? अदिति, मैं सबसे पहले बता दूं कि हर दिन जो केंद्र सरकार के मंत्रालयों की ज्वाइंट ब्रीफिंग होती है, जिसमें होम मिनिस्ट्री से भी रिप्रेजेंटेटिव्स रहते हैं और स्वास्थ्य मंत्रालय से और आईसीएमआर से, कल भी इस बात को लेकर जब सवाल पूछा गया था तो यही कहा गया स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से कि जिस तरह की अभी स्थितियां हैं और जब लॉकडाउन की जो तारीख है 14 अप्रैल तक, तो उस दिन तक परिस्थितियां देखी जाएंगी कि आखिर किस तरह का ट्रेंड है। तो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि खासतौर से स्वास्थ्य मंत्रालय और जो एक्सपर्ट्स हैं वो पूरा जो है कहें कि पूरी तैयारियों का जायजा लेके बताएंगे आगे केंद्र सरकार को कि लॉकडाउन बढ़ाए जाने की जरूरत है या नहीं। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि राजस्थान, मध्य प्रदेश और कई राज्यों में जिनमें बड़े पैमाने पर मामले आए हैं, जाहिर तौर पर वहां के मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि लॉकडाउन को आगे बढ़ाया जाना चाहिए। कल प्रधानमंत्री ने एक महत्वपूर्ण बात कही थी अदिति, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की मीटिंग में प्रधानमंत्री ने कहा था कि जिन जिलों में एक भी मामले नहीं है उन जिलों में धीरे धीरे नॉर्मलसी की तरफ बढ़ना चाहिए, तो एक संकेत कल दिया गया था। लेकिन मैं आपको बता दूं, रेलवे की बात करें, रेलवे में भी अभी कोई निर्णय नहीं हुआ है कि ट्रेनें चलाई जाएंगी या नहीं,
30 अप्रैल तक एयर इंडिया की भी बुकिंग पूरी तरह बंद है। तो कुल मिला के ये है कि अभी लॉकडाउन पूरी तरह से खत्म होगा या फिर फेज वाइज खत्म होगा, इस पर अभी निर्णय होना बाकी है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात आदित्य ये है कि सारी स्थिति का जायजा लेने के बाद निर्णय होगा कि क्या फेज मैनर में किस तरह से खोला जाए। और जिस तरह से कल प्रधानमंत्री ने संकेत दिए हैं, मेरा भी यही मानना है कि उसी लिहाज से लॉकडाउन खुलेगा, यानी फेज वाइज मैनर में, जिन जिलों में एक भी मामले नहीं है उन जिलों में पहले नॉर्मलसी बरकरार। मैं आपसे तफसील से बात करूंगी क्योंकि इसे लेकर मीडिया में नीति आयोग की तरफ से शहरों को कैटेगराइज करने की, डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज में डालने की बात कही थी, उस पर मैं आपसे डिटेल में बात करूंगी। एहसान का रुख करना चाहूंगी। एहसान, आप मुंबई में हैं, महाराष्ट्र अगर कोरोना संक्रमण के मामलों की बात की जाए तो टॉप पर है, महाराष्ट्र में क्या सोच है? जी अदिति, कुल 52 मौतें अब तक महाराष्ट्र में हो गई हैं। हर रोज कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ी, आज ही तकरीबन 2 दर्जन मरीज कोरोना संक्रमित नए पाए गए हैं। ऐसे में महाराष्ट्र सरकार भी मन बना रही है कि जो लॉकडाउन पीरियड है उसे बढ़ाया जाए। महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने बार बार लगातार संकेत दिए हैं कि महाराष्ट्र में जिस तरह से लोग लॉकडाउन का पालन नहीं कर रहे हैं और जिस तरह से मरीजों की संख्या कई लाखों में लगातार बढ़ी है, ऐसे में आप ये मत मन बना के चलिए कि 14 तारीख को लॉकडाउन खत्म ही हो जाएगा। यानी कहीं ना कहीं सरकार, महाराष्ट्र की सरकार संकेत दे रही है पहले से ही, क्योंकि सबसे ज्यादा देश में जो मौतें हो रही हैं और ज्यादा कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ रही है वो महाराष्ट्र ही देश में नंबर 1 बना हुआ है। ऐसे महाराष्ट्र सरकार कोई बड़ा फैसला ले सकती है अदिति। तो महाराष्ट्र सरकार बड़ा फैसला ले सकती है, लेकिन ब्रह्म यहाँ पर बात करना चाहती क्योंकि कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में ये भी दावा किया जा रहा है, नॉर्थ ईस्ट के कुछ राज्य जैसे मेघालय वो तैयारी कर रहा था क्योंकि वहां पर इस तरह के केसेस नहीं है। इसके अलावा सीएम योगी ने भी इस तरह के संकेत दिए थे 2 दिन पहले कि फेज्ड मैनर में लॉकडाउन से जुड़ी हुई जो रिस्ट्रिक्शंस है उन्हें हटाया जाएगा। हालांकि उसके बाद जो एडिशनल सेक्रेटरी थे उनकी तरफ से ये बात कही गई थी कि उत्तर प्रदेश में जो है उसको लॉकडाउन को आगे बढ़ाया जाएगा, अवनीश अवस्थी का ये स्टेटमेंट कल आया था। तो आपसे मैं ये जानना चाह रही हूं, रिपोर्ट्स आए कि नीति आयोग ने भी रिकमेंड किया सिटीज को कैटेगरीज में बांट दिया जाए संक्रमण को देखते हुए, उसे लेकर सरकार में क्या सोच चल रही है? अदिति देखिए, हम लगातार स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारियों से बात कर रहे हैं और तमाम दूसरे मंत्रालयों के अधिकारियों से भी चर्चा हो रही है। सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि जो स्वास्थ्य से जुड़े हुए एक्सपर्ट्स हैं वो पूरे हालात का जायजा लेने के बाद कि किस तरह का ट्रेंड चल रहा है उस आधार पर राय व्यक्त करेंगे केंद्र को, और उसके बाद आगे तय होगा कि लॉकडाउन कि क्या स्थिति हो, क्या पूरे देश में कंटिन्यू बढ़ाया जाए या फिर फेज मैनर में निपटा जाए। लेकिन पूरी पूरी संभावना इस बात की है, जिस तरह से कल मैंने बताया आपको कि प्रधानमंत्री ने संकेत दिए हैं और बाकायदा कहा है कि जिन जिलों में एक भी मामले नहीं आए हैं उन जिलों में नॉर्मलसी की तरफ बढ़ा जा सकता है। तो हो सकता है कि फेज वाइज तरीके से उन जिलों को, उन राज्यों को, जैसे नागालैंड इस तरह का राज्य जहां एक भी मामला अभी तक सामने नहीं आया है, तो जो ऐसे राज्य हैं और जो ऐसे जिले हैं जहां पर एक भी मामले सामने नहीं आए हैं तो वहां पर नॉर्मलसी की तरफ बढ़ा जा सकता है। ज्यादा संभावना इसी बात की है कि क्योंकि जो बड़े शहर हैं उनमें लॉकडाउन एकदम से खत्म करना मुश्किल है, खास तौर से दिल्ली जैसे शहर की बात करें, मुंबई जैसे शहर की बात करें, महाराष्ट्र की बात करें जहां बड़े पैमाने पर मामले आए हैं, वहां पर ऐसा संभव नहीं लगता कि 14 के बाद पूरी तरह से लॉकडाउन खत्म हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारी चीजें जरूरी हैं। एक महत्वपूर्ण बात मैं और आपको बता दूं, जो स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से कल कही गई थी कि लॉकडाउन के अच्छे परिणाम आ रहे थे और अगर तबलीगी जमात वाले केस ना आते तो शायद 14 तक खत्म हो जाता, लेकिन आप देखिए कि 1000 से ज्यादा संक्रमित केस, तकरीबन 1200 तबलीगी से जुड़े केस आ चुके हैं और वो भी 17 राज्यों में है, उससे जुड़े 25,500 लोगों को क्वारंटाइन किया गया है। तो तबलीगी के मामले आने के बाद अब 14 तक संभव नहीं लगता है कि पूरे देश में एकदम से आप लॉकडाउन खत्म कर दें, लिहाजा ज्यादा संभावना यह है कि फेज वाइज मैनर में हर जिलों में खत्म किया जाए इसको। अदिति बिल्कुल, जिस तरह से तबलीगी जमात से जुड़े हुए लोगों के मामले सामने आए हैं, 1400 को ये आंकड़ा पार कर चुका है और लगातार बढ़ रहा है, उसके बाद कहीं ना कहीं सरकार की चिंता बढ़ी है और इसीलिए ज्यादातर राज्य सरकारें ये कह रही हैं, जैसा कि आपने सुना मध्यप्रदेश के सीएम को, राजस्थान के सीएम को, कि इसे आगे बढ़ाया जाए। वैसे नियमों का पालन न करने वाले लोगों की वजह से भारत में लॉकडाउन बढ़ाने की ये नौबत आ सकती है। जमात की वजह से, जैसा कि मेरे सहयोगी भी बता रहे थे आप ब्रह्म, की ये बहस ज्यादा तेज हुई है, क्या भारत के लिए सिर्फ 21 दिनों का लॉकडाउन काफी है, क्या इसे बढ़ाना नहीं चाहिए? दरअसल कुछ रिसर्च है, अभी जो आप ग्राफिक्स भी देख रहे थे, जो आप कर्व भी देख रहे थे ऊपर और नीचे जाते हुए, दरअसल ये इसी रिसर्च से जुड़ा हुआ है। तो ब्रिटेन की कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी है जो कहती है, भारतीय रिसर्चर्स के मुताबिक
21 दिनों के लॉकडाउन से संक्रमण के मामलों में कमी तो आ जाएगी, लेकिन लॉकडाउन हटते ही ये संक्रमण के मामले तेजी से बढ़ने लगेंगे। रिसर्चर्स द्वारा की गई मॉडलिंग के मुताबिक इससे बचने का एक उपाय ये है कि 21 दिन के पहले लॉकडाउन के बाद 5 दिनों का ब्रेक दिया जाए और फिर अगले 28 दिनों के लिए पूरे देश को फिर से लॉकडाउन किया जाए। लेकिन इस तरह की स्थिति में दूसरा लॉकडाउन हटाने के बाद भी संक्रमण के मामले तेजी से बढ़ेंगे। हालांकि ये भी दावा किया गया है इस रिसर्च में कि संक्रमण के नए मामलों में बड़ी कमी आएगी। इसके बाद तीसरी सिचुएशन आपके सामने रखते हैं, तीसरा उपाय, वो ये कहते हैं कि देश को पहले 21 दिन, फिर 28 दिन और फिर 18 दिनों के लिए लॉकडाउन कर दिया जाए और इन तीनों ही लॉकडाउन के बीच 5-5 दिन की छूट यानी ब्रेक रखी जाए। इस स्थिति में अगर मैं 21, 28 और 18 दिन वाले लॉकडाउन की स्थिति की बात करूं तो इस स्थिति में 10 जून तक संक्रमण के नए मामले सामने आने लगभग बंद हो जाएंगे। लेकिन रिसर्चर्स का सुझाव है अगर इस महामारी की रफ्तार इससे पहले थामनी है तो फिर एक साथ 49 दिनों का लॉकडाउन करना होगा, वो भी बिना किसी ब्रेक के। इस मॉडलिंग के मुताबिक जितने दिनों के लिए लॉकडाउन हटाया उससे 2 गुने दिनों के लिए लॉकडाउन फिर से लगाना पड़ेगा, यानी अगर 5 दिनों के लिए आपने लॉकडाउन हटा दिया तो 21 दिनों के लिए एक्स्ट्रा लॉकडाउन करना पड़ेगा। तो ये कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के जो रिसर्चर्स हैं उनके द्वारा जो रिसर्च की गई है भारत के संदर्भ में वो हमने आपको समझाने की कोशिश की। ब्रह्म और एहसन, आपका फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया।